नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हाईलाइट चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके पास सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो जैसे सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। जैसे सिक्के को अपने एक बार उछाल, तो क्या आता है अपने पास चित और क्या आता है पट, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। सिक्का, सिक्के को कॉइन को उछाला तो चित और पट, क्योंकि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, क्या आ सकता है। एक बार उछालेंगे, तो एक बार चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, ठीक है। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दो ही बनेंगे आपसे। तो पहला क्वेश्चन से बनता है चित आने की एक सिक्के को, प्रश्न बनेगा एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ठीक है। तो जब मैं प्रश्न बना रहा हूँ आपके पास, एक सिक्के को, एक नंबर का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, एक बार उछालने पर, पहला क्वेश्चन है चिताने की तैयार, और सेकंड है पटाने की, ठीक है। अब प्रैक्टिकल का फॉर्मूला निकला आपको बताया था, एक बार दोबारा देख लीजिए आप। प्रैक्टिकल का फॉर्मूला है आपके पास अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, ठीक है। तो जो आपको मैंने कल बता दिया, फिर भी आप एक बार दोबारा देख लीजिए, प्रैक्टिकल का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अब देखो, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रैक्टिकल। अब देखो, एक सिक्के को एक बार उछाला तो क्या आ सकता है, हेड और टेल, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। या तो आपके पास हेड आ सकता है या आपके पास क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो हेड कितनी बार आ रहा है, टोटल परिणाम तो कितने हुए, एक और दो, कितने हुए, एक और दो। तो कुल संभावित परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं, दो। तो कुल परिणाम कितना है, दो। अब देखो चित आने की प्रैक्टिकल, चित मतलब हेड, तो हेड चित आने की प्रैक्टिकल कितनी हो गई, चित कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पे, एक बार। तो इसका क्या मान हो गया, एक बटावा दो। तो चित आने की प्रैक्टिकल क्या हुई, एक बटावा दो। इसी प्रकार देखो पट आने की प्रैक्टिकल, तो देखो कुल परिणाम, कुल परिणाम तो कितना है, वही दो है, ठीक है। अब अनुकूल परिणाम मतलब पट आने की प्रैक्टिकल, तो पट कितनी बार आ रहे हैं, देखो यहाँ पे वो भी एक बार ही आ रहे हैं, एक बार उछालने पर, तो ठीक है। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, एक बटावा दो। तो इससे ये एक बार एक नंबर का क्वेश्चन अपने पास से आता है। अब एक सिक्के को दो बार उछालते हैं ना, या दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं, या तो एक सिक्के को दो बार उछालो या दो सिक्के को एक बार, वो क्वेश्चन बनता है आपका तीन नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एक ही नंबर का बन सकता है, ठीक है। तो अब देखो, एक सिक्के को अपन दो बार उछालते हैं, ठीक है, आराम से सिंपल वे में बताएंगे, अच्छी तरीके से आराम से देखिए आप। चलो अब देखो, क्वेश्चन है अपने पास एक सिक्के को दो बार उछालने पर, ठीक है, एक सिक्के को दो बार उछालने पर। तो एक सिक्का है, एक सिक्का पहले एक बनाओ, एच और हेड और टेल, ठीक है, चित और पट, एच और टी, एक सिक्का हो गया। इसी प्रकार एक दूसरा सिक्का और ले लो साथ, एच और टी, ठीक है। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो एच और टी आएगा, दूसरा सिक्का भी एच और टी। एक सिक्के को एक बार उछाल दो या दो सिक्कों को एक बार उछाल दो, ठीक है, सेम बात है। अब इसके कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होंगे, पहले तो वो बनाओ पहले आप, क्योंकि प्रैक्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कैसे निकालोगे, तो डायरेक्टली तो वैसे आप बना नहीं सकते, तो इसके लिए एक ट्रिक देख लो आप, एच है, एच को ऐसे कर लो, टी को ऐसे कर लो, ठीक है। एक बार दोनों को अपने ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई, एक बार दोनों को ऐसे कर दो, इसे कर दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एच एच, क्योंकि एक सिक्के को दो बार उछाल सकते हैं, तो अभी देखो एच 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 टी, एच 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 टी,
42। अब देखो एक बार समझने की कोशिश करो, कुल परिणाम कितने हैं अपने पास से? 4। कुल परिणाम कितने हैं अपने पास से? 4। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, तो उसके लिए तो आप डायरेक्ट आप बना सकते हो, मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि ए की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन या एक्स की पावर एन, मतलब ए या एक्स अपन का ही को मानते हैं, जैसे पासा है तो पासे को मानेंगे, सिक्का है तो सिक्के को अपने मानेंगे, ठीक है, तो जैसे आपने अपने पासा है तो पासे को मानेंगे, सिक्का है तो सिक्के को मानेंगे, ठीक है, जैसे अपने पास आ गया अपने पास ये पासा या सिक्का, अब अपने पास सिक्का है तो एक सिक्के को उछालते हैं तो कितने संभव पहलू आते हैं इसके, या तो हेड या टेल, तो कितने आते हैं? दो आते हैं, तो दो आते हैं तो यहाँ पे दो की पावर, अगर एक बार उछाल रहे हैं तो दो की पावर एक हो गया दो, अगर इसको दो बार उछाल रहे हैं तो दो की पावर दो कितना हो गया? 4। अगर इसको तीन बार उछाल रहे हैं सिक्के को तो दो की पावर तीन कितना हो गया? 8। ठीक है, तो ये तो एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास से आ जाता है, ठीक है, जैसे कि आ गया कि आपको पूछ लिया एक सिक्के को तीन बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, ठीक है, तो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, तो दो पहलू हो गए, और कितनी बार उछाल रहे हैं? तीन बार, तो 8। कितनी बार उछाल रहे हैं? दो बार, तो क्या आ गया? 4। कितनी बार उछाल रहे हैं? एक बार, तो कितना आ गया? 2। ठीक है, तो ऐसे अब निकलते कैसे हैं फिर ना, वो देखो आप, देखो क्या आ सकता है, देखो जो बनाने के लिए आपको दो में भी ऐसे ही बनानी पड़ेगी, तीन में भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो वो आपको आराम से इस में आप देखो समझो, आराम से बनाना आप सीख जाओगे, जैसे देखो ये आ गया, एक बार उछाल दिया, दो बार उछाल दिया, एच एच एस टी टी एच टी, मान लो जैसे अपने एक बार सिक्के को उछाला, हेड आ गया, तो अपने हो गया उसी सिक्के को क्या करना पड़ेगा? दोबारा, तो वापस भी हेड आ सकता है, पहली बार उछाला हेड आ गया, दोबारा क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, पहली बार टेल आ गया दोबारा क्या आ सकता है? हेड क्या आ सकता है, या दोनों बार क्या आ सकता है? टेल टेल आ सकता है, इससे ज्यादा इसको कितनी बार कैसे भी उछालो इससे ज्यादा इसके परिणाम नहीं आएंगे, इससे ज्यादा इसके क्या नहीं आएंगे? परिणाम नहीं आएंगे। अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं अपने पास, देखो ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन बनते हैं 4, 3 या 4 के लगभग, जैसे मान लो एक सिक्के को दो बार उछालने पर, पहला क्वेश्चन बन गया एक सिक्के को कितनी बार उछालने पर? दो बार उछालने पर, दोनों बार चिंता नहीं की तरह, सेकंड क्वेश्चन है दोनों बार पटाने की प्रैक्टा, या थर्ड क्वेश्चन इसका बन गया एक बार चित व एक बार पट आने की प्रैक्टा, ठीक है, इससे ज्यादा मतलब एक सिक्के को एक बार उछालने में दो क्वेश्चन बने, एक सिक्के को दो बार उछालने में कितने क्वेश्चन बने? 3। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बन गया एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल कितने परिणाम, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कोई सा दो दे देगा आपको, कोई सी दो दे देगा उससे पूछ लेगा आपसे, ठीक है, जैसे दोनों बार चिताने की प्रैक्टा, अब दोनों बार चित कौन कौन सा आ रहा है? देखो दो बार चित कहां पर दिख रहा है क्या आपको? दो बार चित, एक बार एच दिख गया, दो बार सी बार एच, चित मतलब है, ठीक है, दोनों बार क्या दिख गया आपके पास? एच एच मतलब कितने परिणाम है टोटल? 1, 2, 3 और 4, तो कुल संभावित परिणाम फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल बटा हुआ कुल, तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं अपने पास? 4। कुल तो कितने हैं? 4, क्योंकि कुल 1, 2, 3 और 4, और दोनों बार चिताने का अनुकूल परिणाम कितना है अपने पास? 1। कितना है? 1 ही तो है ना, तो ये क्या हो गया? 1। तो क्या हो गया? 1/4। दोनों बार पट आने की रहता, तो कुल परिणाम तो कितना हो गया अपने पास? 4। अब दोनों बार पट, देखो इसमें कितनी बार आ रहा है? टीटी, दोनों बार टीटी तो एक बार ही आ रहा है ना, तो ये कितना हो गया? 1/4। अब एक बार जीत व एक बार पट आने की प्रैक्टा, तो एक बार जीत और एक बार पट, एक बार तो टी दिखना चाहिए, एक बार हमें क्या दिखना चाहिए? एस दिखना चाहिए, तो देखो एक बार एच, एक बार टी, एक बार टी, एक बार एच, मतलब एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार टेल, एक बार हेड, कितने परिणाम हो गए? कुल 2। तो अनुकूल तो कितने हो गए? 2। कुल अपने पास कितने हैं? 4। तो कुल तो कितने हैं? 4, अनुकूल 2, 2/4 क्या हो गया? 1/2। ये परिणाम
वो एक बार उछाती है तो पहले क्वेश्चन बना दिए थे, एक्स की वो दो बार उछाती है तो ये क्वेश्चन आपके पास बन गए, ठीक है। ये परिणाम आपको बन गए और ये क्वेश्चन बन गए, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन नहीं आता। एक आपसे पास नॉर्मल पूछ लेता है कि एक सिक्के को तीन बार उछाल कर बना दिया जाए, दो बार तो मैंने उछाल दिया, अब इसको क्या करना है, तीन बार अपने को उछालना है, तो उसके लिए देखो ये तो चार बन गया, तो तीन बार उछाल कर तो कितने परिणाम आएंगे अपने पास, आठ, तो वो आठ कैसे बनेगा, और दो कोई चीज रिपीट भी नहीं होनी चाहिए तो आठ कैसे बनेंगे वो देखो आप कैसे बनोगे, प्रैक्टिस करो। अब देखो प्रश्न बन रहा है अपने पास, एक सिक्के को तीन बार उछालने पर, तीन बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम आने अपने को, ठीक है। पहले तो ये बना हुआ, तो एक सिक्के को तीन बार उछालते हो, वही एक एक सिक्का हो गया, ये दूसरा सिक्का हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा सिक्का हो गया, ठीक है, तीन बार लिख दिया अपने। अब देखो अपन ने दो बार बनाए थे तो कितना ये परिणाम बने थे, कितने बने थे, चार बने थे। अब आप देखा था अपने पहले बार कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये चार बने थे, तो इन दो की स्टेप कर दो पहले, तो आप तो इन दो की स्टेप क्या करेंगे, अपने पास एच एच एस टी टी एच टी और टी, कितनी बार उछाले थे, दो बार उछाले ना, तो दो बार उछालते ये कंडीशन आ गई। अब इसको तीसरी बार से और मल्टीप्लाई कर दो, तीसरी बार ये आ गया अपने पास एच और टी, तो एच और टी मतलब एक सिक्के को कितनी बार उछालना है, तीन बार उछालना है, तो तीन बार उछालना है तो एक बार चारों पाए से करोगे एच से गुणा करोगे, एक बार चारों पाए से करोगे आप टी से गुणा करोगे, ठीक है। एक बार तो आप चारों पाए से गुणा करोगे एच से और एक बार चारों को टी से, तो ये कुल परिणाम इसके आ जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कुल समष्टि, क्या बोलते हैं, कुल समष्टि, ठीक है। और इसको ऐसे भी नोट किया जाता है, ठीक है, जैसे H H H, देखो H H है, तीनों को S, चारों को S से गुणा करना है, ठीक है, H H H, फिर अगली स्टेप क्या होगी, H T H, फिर क्या हो जाएगी, T H H, फिर क्या हो जाएगा, T T H। अब देखो बोला H H T, क्योंकि एक बार तो ये चारों का ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो गए, अब इन चारों का ऐसे करोगे से मल्टीप्लाई, तो एच एच टी एच टी 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 एच एच टी टी टी, ठीक है। अब देखो इसको आप टोटल कर लो, आप कितने परिणाम हो गए, कितने आएंगे, आठ ही आएंगे, क्योंकि एक सिक्का है दो पहलू होते, कितने बार उछालोगे, तीन बार उछालोगे, तो कितने आएंगे, दो की पावर तीन कितना हो गया, आठ, अगर चार बार उछालोगे कितने हो जाएंगे, सोलह हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन चार बार नहीं आता है तो ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस में आता है, ओनली आपके लिए क्लास तक का ही बैठेगा, ठीक है। तो देखो आप ये क्या हो गया, उछाल दिया, अब काउंटिंग करो, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, ठीक है। तो एक सिक्के को अपन ने उछाला कितनी बार, तीन बार, तो तीन बार उछाले कितने परिणाम आ गए, आठ। एक सिक्के को तीन बार उछालो या तीन सिक्कों को एक बार उछालो, दोनों सेम क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना, एक सिक्के को